नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, हाल ही की सबसे बड़ी खबर हाथरस कांड को आप सभी जानते हैं, और हाथरस कांड को लेकर पिछले कई दिनों से सभी न्यूज़ चैनल पर इसकी खबरें टेलीकास्ट हो रही हैं और ऐसे न्यूज़ चैनल भी इसके बारे में आपको दिखा रहा है। तो दर्शकों, कई सारे मेल, कई सारे व्हाट्सएप हमारे पास आए हैं, और उस मेल पर काम करते हुए ऐसे न्यूज़ आज यहाँ पर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने आया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामनगर में, उत्तराखंड का एक शहर है रामनगर, काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर संत रामपाल महाराज के शिष्यों ने जो हमें मेल किए हैं इतने सारे, उस पर रिपोर्टिंग करने हम यहाँ पर आए हैं ग्राउंड ज़ीरो पर। तो हम जानेंगे संत रामपाल महाराज के शिष्यों का, मैं आपको बता दूँ, ये कहना है कि संत रामपाल के जो फॉलोअर हैं उन्होंने हमें यह कहा है कि संत रामपाल पर कोई भी ऐसे आरोप नहीं है जो मीडिया दिखा रही है, और संत रामपाल एक निर्दोष संत हैं। उन पर जो इतने सारे आरोप लगे हुए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। 8 केसों में संत रामपाल बरी हो चुके हैं। आम जनता की राय हम हाथरस कांड पर और सभी चीज़ों पर लेना चाहेंगे, तो आइए लोगों से मिलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सारे लोगों से मिलेंगे, यहाँ पर आम जनता से राय लेंगे कि क्या वाकई में संत रामपाल के खिलाफ या पॉजिटिव कैसे व्यू वो लोग रखते हैं। हाथरस कांड की पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आम जनता से हम लेना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? देखो, आज का समय ऐसा चल रहा है कि नकली धर्मगुरु की तो बाहर से आई हुई है अभी, और कम से कम 150 लोग मर गए हैं, तो कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। न्यूज़ चैनल में तो ये सब दिखाया जा रहा है, और आज अब तो देखिए, हम तो ये सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं अब तो। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, संत रामपाल, आसाराम, कई सारे संत हैं, हाँ जी, तो संत रामपाल के शिष्यों का हमारे पास मेल आता है और वो लोग ये जानना चाहते हैं, मतलब उन्होंने हमें ऐसा कहा है कि आप लोग जानो क्या सच्चाई है। संत रामपाल के शिष्यों ने हमें मेल किया है, उन्होंने बोला है कि संत रामपाल जो है एक अच्छे संत हैं, उन पर ऐसे कोई आरोप लगे हुए हैं नहीं जी। तो क्या राय है आपकी? देखो सर, हाँ, जहाँ तक बाबाओं का है तो ये एक संत रामपाल जी के बारे में थोड़ा सा हमें सही लगता है, क्योंकि हमारे गांव के भी कुछ लोग हैं, हमारे यहाँ से कई लोग जाते हैं और यहाँ से लाखों की संख्या में बसें जाती हैं। जब इनका कुछ वो प्रोग्राम होता है, इनके पोस्टर लगे हुए होते हैं, और इनका भी ट्रेंड पर चल रहा था इनका, तो इसमें 8 केसों से बरी भी हुए हैं, थोड़ा इनका सही लगता है। बाकी और धर्मगुरुओं के बारे में तो आप जानी जाने, आप होता कुछ और है, दिखाती कुछ और मीडिया के प्रति तो अब विश्वास ही करना हमने बिल्कुल बंद कर। कहीं ना कहीं संत रामपाल के शिष्य कह रहे हैं, उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, आप क्या राय रखते हैं इस पर? जी देखिए, उनका जिस हिसाब से अभी उसमें चल रहा है तो हो सकता है उनका सही हो, लेकिन बाकी हमारे उत्तराखंड में तो ऐसा है माहौल कि यहाँ पर कई ढोंगी बाबा हैं जिनको कुछ पता रहता नहीं रहता, बस आ जाते हैं सीधा भगवा कपड़ा पहन कर आ जाते हैं, और बाकी इनको जानकारी किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं होती है। मतलब मीडिया का रिव्यू मैं आपसे लेना चाहूँगा, आज तक है, जी न्यूज़ है, इतने सारे मीडिया चैनल्स हैं, इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, उस पर संत रामपाल के शिष्य सवाल उठा रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये सारे जो मीडिया चैनल्स हैं बिक चुके हैं, मीडिया चैनल्स पे आप क्या राय रखते हो अपनी? देखिए, मीडिया चैनल तो अब विश्वास करने लायक ही नहीं रह गई, क्योंकि फेक न्यूज़ ज़्यादा दिखाते हैं, और जहाँ इनको ज़्यादा पैसा मिल जाए तो भाई वही है, अब बिकाऊ मीडिया है, इसके ऊपर भरोसा करने जैसा कुछ रहा नहीं आप हमारा। इतने सारे धर्मगुरु एक्सपोज हो रहे हैं संत रामपाल के, वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यौन शोषण होता था, नकली पैसे ठगे जाते, तो क्या बताओगे आप इसके बारे में? सर, एक मेरा फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, वो बाबा रामपाल जी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसने मेरे को बताया है कि हमारे गुरुजी के वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो हम जब उनके वहाँ पे गए, उसने भी मेरे को एक बार इन्वाइट किया, मैं कई बार तो नहीं जा पाया, पर उसके ज़्यादा फोर्स करने के बाद मैं गया। जैसे संत जी पे ऐसे आरोप लगाए हैं तो वैसे वहाँ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे उन पे आरोप है यौन शोषण के या रेप के, वहाँ पे उनकी, मेरी दोस्त की बहन, मम्मी, वो भी जाते हैं, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ ये लेडीज़ की व्यवस्था अलग की जाती है, जेंट्स की व्यवस्था अलग नहीं। मतलब मीडिया पर काफ़ी सारी खबरें दिखाई जा रही हैं, मानते हो ना, मीडिया को तो मानते हो? मीडिया को तो हमने, मीडिया पर विश्वास नहीं कर सकते। इंडियन मीडिया जरा सी अगर किसी नाले में पानी आ जाता वो पूरी बाढ़ को वो विकसित कर देती कि यहाँ पर बाढ़ आ गई है, तो इंडियन मीडिया पर विश्वास करना तो ठीक नहीं है। जो बाबा रामपाल जी हैं वो एक अच्छे संत हैं, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार हैं ना, उनके साथ मैं भी गई थी वहाँ पे, मैंने वहाँ देखा, वहाँ पे सारी व्यवस्था देखी, इतना अच्छा वहाँ पे है व्यवस्था वहाँ। आपने मतलब विजिट करा है आश्रम? हाँ जी, हाँ जी, मैं गई हूँ वहाँ पे, मैंने वहाँ पे भंडारा भी ग्रहण किया, बहुत अच्छा। बहुत सारी बातें हैं फिर तो, अगर आप वहाँ गए हैं तो मैं इनसे कुछ और पूछना चाहूँगा। मैम, एक मिनट आप थोड़ा हमें एक्स्ट्रा दें, कि आपको कोई काम होगा तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप ये बताइए, अगर संत रामपाल जी के आश्रम में आप गए हो तो वहाँ पे हमने ऐसा सुना है कि संत रामपाल दूध से नहाते थे, वहाँ खीर बनती थी, फिर वो सारी संगत में बंटती थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, खुद मेरे भाई भी जुड़े हुए हैं उनसे, मेरी मम्मी भी जुड़ी हुई है उनसे, लेकिन मैंने वहाँ पे ऐसा देखा ही नहीं, मैं खुद गई हूँ वहाँ पे, सब ये झूठ है, फेक न्यूज़ है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे।
वहाँ पे तो वो बाबा तो देखिए समाज सेवा के लिए इतना सुधार कर रहे हैं, देखिए दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। आप सोचिए वो बाबा, वो मतलब उनके बारे में जो इतने गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूज़ वाले, कैसा हो मतलब क्या आपका कहना है कि आपके फैमिली वाले जुड़े हुए हैं तो मतलब वहाँ कुछ ऐसा नहीं है आपका कहने का मतलब? हाँ जी हाँ जी, मैं नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन मेरे घर के सदस्य और मेरे जो रिश्तेदार हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो मैं आपके फैमिली मेंबर जुड़े हैं, आपने मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा आपका? नहीं मतलब? नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत अच्छे संत हैं, उनको तो पलकों में बैठाने वाले संत हैं वो। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाथरस में जो कांड हुआ है तो इसमें कई सारे लोग जो है धर्मगुरु हैं, नकली धर्मगुरु उसमें एक्सपोज किए जा रहे हैं, मीडिया कई सारी खबरें दिखा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मीडिया बिल्कुल गलत कर रहा, जैसे जिसका दोष है उसी का नाम लेना चाहिए, अन्य का नाम नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने हमें मेल्स किए थे, काफ़ी चीज़ें हमें बताई थी कि ग्राउंड जीरो पर आप जाएं, वहां जाके